हाय गाइस, मेरा नाम है स्पर्श और आज मैं लेके आया हूं एक नई क्लैश प्लांस की वीडियो। और इस वीडियो में आपको दूंगा वॉर रिकैप जो जनरल यूट्यूब का हुआ था 5 स्टार के साथ। जैसे कि आप जानते हैं मेरा क्लैन है जनरल यूट्यूब, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा। सॉरी, मैं अपने डिफेंसिव रिप्लेस नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो अटैक्स मुझे अच्छे लगे थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, हमारी पहली परफेक्ट वॉर 100% टोटल डिस्ट्रक्शन और 60 स्टार्स। तो अगर आपको और ऐसे चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं ऐसी और वॉर रिकैप्स पोस्ट ज़रूर करूँगा। गाइज, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पोस्ट करता हूँ हिंदी में क्लैश क्लैंस की वीडियोस। और अगर मैं पोस्ट करूँगा तो आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए, आपका हक है वो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना तो भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। थैंक यू। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले रिप्ले के साथ। और क्योंकि है ये पहला रिप्ले, तो बेस्ट से स्टार्ट करते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, माइकल का टैग नंबर 3 है माइकल, और इसने कैसे 3 स्टार किए नंबर 1 को। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते ही होंगे कि माइकल एक एयर स्पेशलिस्ट है, और फिर से एयर अटैक के साथ आ रहा है गोबो लालून, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसने कैसे टाउन हॉल 9.5 को 3 स्टार कर दिया। देख सकते हैं इसकी आर्मी बहुत ही डिसेंट सी है, नॉर्मल कॉमन सी जो गोबो लालून की होती है आर्मी। सबसे पहले गोलम से आ रहा है ये लोअर सेक्शन से, और विजर्ड्स यूज़ कर रहा है क्लीन अप के लिए, जो स्ट्रॉन्ग फनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपके बॉलर्स और हीरोज फनल हो जाए। वॉल ब्रेक की है ताकि हीरोज और बॉलर्स अंदर आए। जंप स्पेल डिप्लॉय किया, क्वीन भी वहाँ पर टारगेट पर है, और ठीक जा रहा है भी अटैक। और अपोनेंट का क्लैन कासल आ गया है, 3 लून्स और 1 ड्रैगन के साथ। आर्चर क्वीन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनसे डील करने में, थोड़े विजिट्स भी हैं बीच में हेल्प के लिए, और 1 बोलर अभी भी यहाँ पे जिंदा है। और लालून पोशन के साथ आ रहा है माइकल यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लालून पोशन, और बाइसेक्ट किया है 2 हाफ में, ताकि सारे एयर टारगेटिंग डिफेंसेज और एयर डिफेंस कवर हो जाए। क्वीन अभी भी जिंदा है, लेकिन अब जिंदा नहीं है। हेस्ट पहले कॉर्ड डिप्लॉय किया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से अटैक हो रहा है, बस क्लीन अप रह गया है। तो चलिए मैं रिप्ले बूस्ट कर देता हूँ, ताकि जल्दी से क्लीन अप हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छे से किया हुआ अटैक, जो लास्ट मोमेंट अटैक था, इसी अटैक की वजह से हमें 60 और 60 स्टार्स में। सो बिग शाउट आउट टू माइकल। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रिप्ले की तरफ। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रिप्ले में, और ये है ऋषभ का अटैक अपने मिरर पे। आई एम सॉरी डूड, अगर मैंने तुम्हारा नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम ऋषभ है, एच आता है उसमें, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारा नाम प्रोनाउंस कैसे करना है, बट आई कॉल यू ऋषभ। तो चलिए चलते हैं ऋषभ के अटैक में, अपने मिरर पे अटैक किया, बहुत ही अच्छा अटैक। गोबो लालून था यही जो माइकल की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, तो चलिए मैं आपको वो ट्विस्ट दिखाता हूँ। तो गाइस, जो ट्विस्ट है वो ये है कि ऐसे टाउन हॉल 9 पे होती है लेवल 7 की एयर डिफेंस, लेकिन क्योंकि ये टाउन हॉल 9.5 था, इसलिए इसके पास थी 2 लेवल 8 की एयर डिफेंसेस। दिखाता हूँ आपको कैसे मैनेज किया। और यहाँ पे 2 एक्सपोज भी थी लेवल 4 की, टाउन हॉल 9 पे लेवल 3 की होती है, तो मुझे ये अट्रैक्टिव लगा बहुत अटैक, तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि ऋषभ ने इसे कैसे अटैक किया। तो सबसे पहले 2 लून्स ड्रॉप किए यहाँ पे आर्ची टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि क्लैन का सलूर हो जाए, जो अच्छी बात है। यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया और क्लैन कासल में से ड्रैगन निकला। लून्स नहीं निकले क्योंकि लून्स हैं वो दूसरे लून्स को टारगेट नहीं करते, एयर यूनिट्स को टारगेट नहीं करते। और यहाँ पे गोलम डिप्लॉय किए और विजर्ड्स थोड़ी स्लोली डिप्लॉय कर रहा है, ये स्प्रेड किए हैं, डैमेज डील कर रहे हैं। वॉल ब्रेक की है, यहाँ पे हीरोज आए हैं और बॉलर्स भी, ड्रैगन है यहाँ पे, और जंप स्पेल यूज़ किया, मुझे नहीं पता है जंप स्पेल क्यों यूज़ किया, लेकिन जो भी है ठीक किया, अटैक अच्छा हो गया। क्वीन की एबिलिटी इन्फोर्स करनी पड़ी ताकि बॉलर्स वगैरह ज़्यादा डैमेज ना हो जाएं, और ये गई एक एक्सपो डाउन, क्वीन पे डैमेज हो रहा है और लालून पोशन आ रहा है अभी यहाँ पे। थोड़ा रिस्की पार्ट में देखिए किस तरह से 2 अलग ही डायरेक्शन में किया, ये बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे, यूनिक था, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और गुड जॉब यार, सही अटैक किया। तो अब क्लीन अप रह गया है, जितने मैं आपको बता रहा था उतने देर में क्लीन अप भी हो गया।
बहुत ही बेकार लेआउट था लेकिन बहुत ही अच्छा अटैक, सो गुड जॉब मैन। यू गाइस सो नाउ लेट्स मूव ऑन, चलते हैं अपने नेक्स्ट रिप्ले में। और ये रिप्ले में अटैक करेगा रैक्स, अच्छा अटैक था लेकिन मैं एक टिप देना चाहूँगा आपको, इसमें रैक्स के लिए भी है, हमारे क्लाइनमेट्स के लिए भी है ये टिप, और मैं ऑलरेडी मेल बना चुका हूँ इसके लिए एक टिप है, तो वो मैं आपको इस रिप्ले के साथ देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं रिप्ले में आगे, और ये है एक मास ड्रैगन अटैक टाउन हॉल 8 के ऊपर, बहुत ही ओवरपावर स्ट्रैटेजी है अगर इसे ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ड्रैग ड्रॉप किया नीचे थोड़ा क्लियरेंस के लिए, और धीरे धीरे ड्रैग्स ड्रॉप करते हुए यहाँ पे रैक्स बहुत ही पेशेंटली, और अपोनेंट का क्या कासल आया, ल्यूर हो गया अच्छे से, ड्रैगन ने कुछ डैमेज नहीं किया। यहाँ पे रेड स्पेल थोड़ा अर्ली ऑन यूज़ कर लिया, वो थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन लूंस बहुत ओवरपावर्ड है, अच्छे से प्लेसमेंट की थी इसलिए ठीक चला गया यहाँ पे अटैक। और एयर स्वीपर से डायरेक्टली आना ही पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था, सारी डिफेंसेस कवर थी, अच्छी प्लेसमेंट है एयर स्वीपर की, और लूंस ओवर पावर्ड हैं, देखिए किस तरह से डैमेज डील कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5-6 बिल्डिंग्स तोड़ चुके हैं लूंस अकेले ही, बस ड्रैगन्स तो क्लीन अप का ही काम कर रहे हैं। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि सिर्फ 2 एयर टारगेटिंग डिफेंसेज रह गई। और जो टिप देनी थी मैंने आपको OTP है गाइस, कि आप 3 लूंस और 5 आर्चर्स एक्स्ट्रा कैरी कर लिया कीजिए, एक ड्रैगन ड्रॉप कर दिए करिए, उससे क्या होएगा कि अगर आपके बिल्डर हट साइड पर रह गए हैं तो आपके पास आर्चर्स होंगे जो क्लीन अप कर देंगे। वेरी गुड अटैक बाय रैक्स, गुड जॉब मैन। ओके गाइस नेक्स्ट रिप्ले की तरफ बढ़ते हैं, और इस रिप्ले में अटैक किया है एली ने अपने मिरर पे, तो चलिए आपको दिखाता हूँ, एक यूनिक अटैक था ये, गोहो था आज की ये इस वॉर में, तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैनेज की। सबसे पहले एक हॉक ड्रॉप किया, टेस्ला पॉपअप हो गया, प्लान का सेल्यूट करना चाहती थी और हॉक्स ने वो कर दिया, और एक जायंट बॉम्ब भी डिफ्यूज हो गया जो बहुत ही अच्छी बात है। पॉइजन यहाँ पे डिप्लॉय किया है गोलम जी, ये अच्छा स्टेप था गाइस, आप भी ऐसे किया कीजिए ताकि आपके विजिटर्स प्रोटेक्ट रहें। और यहाँ पे वॉल ब्रेकर स्नीक अटैक, साइड से वॉल हो गई ओपन, अब गोलम राजा जाएंगे वहाँ से अंदर, विजिटर्स पीछे से क्लीन अप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हॉक कंपोनेंट का वेट करते हैं। ये आगे क्लैन कासल के हॉग्स, ये आगे किंग, और ये आगे सारे के सारे हॉग्स, ओवर पावर स्ट्रेटजी इस बेस के लिए, स्केलेटन्स यहाँ पे परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कुछ स्टेप करने की इनके अगेंस्ट, क्योंकि हॉग्स सब कुछ क्लियर कर देंगे, सारी पूरे बेस में हॉग्स ने भाई मचा दी है इस वक्त। और बारबेरियन किंग है यहाँ पे, तंग कर रहा था लेकिन अब रेडियस से बाहर हो गए हैं, उसके क्लीन अप रह गया है, तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे फास्ट शॉवर करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्लीन अप चलता हुआ यहाँ पे 93, 94, 96, 97, 99 एंड 100, और अभी अपोनेंट का किंग भी नहीं मेरा मरा, लेकिन उसका थ्रोन है वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए तीसरा परफेक्ट अटैक, लास्ट अटैक गाइस आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, और ये मैंने खुद अटैक किया था, ये वही है ड्रैगन अटैक, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना कॉम्बो क्या यूज़ किया था, बहुत ही ईजी सा बेस था, आपको भी देख के लग ही रहे, तो दिखाता हूँ मैंने इसे कैसे 3-स्टार की है। सबसे पहले 3 लाइटनिंग ड्रॉप की यहाँ पर मैंने, और उस एयर डिफेंस को तोड़ दिया। अब आर्चेस ड्रॉप किए मैंने यहाँ पर, देखिए साइड्स पे जो मैंने आपको एक टिप दी थी वो इसी में इंक्लूड हो जाती है। और अब यहाँ पे फरार करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी ड्रैगन से, जो आराम से हो जाता है, और अब मैं वेट कर रहा हूँ क्लैन कासल के ल्यूर होने का, लूंस ड्रॉप करने से पहले। देखिए क्लैन कासल अब हो जाएगा ल्यूर, और अब मैं यूज़ करूँगा अपने लूंस सीधा एयर डिफेंस पे, जो ओवर पावर्ड है यहाँ पे लूंस, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजीली 3-स्टार हो गया, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुझे इस अटैक में भी एयर स्वीपर से आना पड़ा, लेकिन एयर स्वीपर कुछ नहीं कर पाया मुझे, क्योंकि मेरे लूंस और ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड थे इस बेस के लिए, बहुत ही ईजी से अटैक ख़त्म हो गया। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, और बहुत ही आराम से मुझे 3-स्टार मिल गया। ओके गाइस तो यही रिप्ले थे आज के इस वॉर रिकैप में, मैं और वॉर रिकैप ऐसे लाता रहूँगा अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट लगेगा,
और थोड़ी वीडियोस आ रही हैं, मैंने प्लान किया हुआ है, शूटिंग उसकी चल रही है तो मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो नोटिफाई हो जाए और आप फटाफट से आके देख ले। थैंक्स गाइस, कीप वॉचिंग, गुड लक।